नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुमका उपायुक्त आंजनेय येलो दोड्डे ने दिनांक 13/7/2024 को दुमका मुख्यालय के कन्वेंशन सेंटर में स्कूल रोआर कार्यक्रम बैक टू स्कूल कैंपेन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक योग्यता और प्रतिभा में आगे हैं, उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराएं। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और परिणाम बेहतर रहे, यह हमारा पहला दायित्व है। आगे उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के पठन पाठन में किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन विद्यालयों की उपस्थिति और परिणाम खराब होगा, उन्हें चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आगंतुक अतिथियों के स्वागत संबोधन में कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 31 जुलाई तक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी कर्मी इसे गंभीरता से लेते हुए पूरा कराएंगे। क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी अनुराग मिंज ने शिक्षकों को कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रेरित किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी भी हमारे जिले में 10-20% बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें वापस लाने का प्रयास करना है। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा राज्य स्तरीय TLM मेले में पुरस्कृत शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय TLM मेले में इस वर्ष दुमका को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कैलाशपति पात्र, अमिताभ झा, एस्थर मुर्मू तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुमंत कुमार, मनोज कुमार अम्बस्ट ने संबोधित किया। इस कार्यशाला में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, संकुल साधन सेवी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मसलिया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने लोटा पानी से आगंतुक अतिथि गणों का स्वागत किया। सभी शिक्षा विभाग के ऑफिसर से मैं अनुरोध करता हूँ कि सारे बच्चों का एनरोलमेंट जरूर करा लेते हैं। उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि बच्चे रहें स्कूल में और पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, और हम इसलिए इस बार भी हम लोग वही किया है, अगले साल भी मैं हम लोग वही करेंगे। जहाँ बच्चों का परसेंटेज हाजिरी में भी कम है या उनका 5% भी कम है, हम लोग सभी को ऊपर कार्रवाई करेंगे, इंक्लूडिंगली आपका एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर्स जो शिक्षा विभाग में हैं उनको ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ क्योंकि इस इलाका ज़्यादा आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे का ज़्यादा हम लोग प्रेजेंस है यहाँ स्कूल्स में, कि उन लोगों का जीवन में मार्ग चेंज लेकर आना है, ये सिर्फ हम लोग शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कमिटेड होते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा, ये सर्विस है, ये इसमें कोई इसको जो हम लोग भगवान के रूप में सर्विस टाइप का माना, जैसे मेडिकल सर्विस है, शिक्षा भी सर्विस है।